हेलो दोस्तों, कैसे हो यार आप सब। तो आज की फर्स्ट अपडेट आ रही है स्टैन की तरफ से। तो कल एमसी स्टैन जो एक स्टोरी डालते हैं जिसमें भाई लिखते हैं व्हेन द हेट डोंट वर्क दे स्टार्ट टेलिंग लाइज बिग लाइज, के बाद बोलते हैं शाउट आउट टू ऑल माय हेटर्स। नेक्स्ट स्टोरी एमसी स्टैन की कुछ ऐसी होती है जिसमें की फेरी लिखा होता है, बाकी बॉलीवुड के बहुत सारे एक्ट्रेस ने भी डाल रखी थी। तो शायद कोई बॉलीवुड का बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसकी स्टोरी सब पे डलवा रही है, या तो ये मूवी होगी या फिर वेब सीरीज होगी, क्या पता स्टैन भी हमें इस प्रोजेक्ट में देखने को मिले। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, वो आ रही है शुभ की तरफ से। आपको पता होगा भाई का जो शो था इंडिया में वो कैंसिल हो गया है, और आपको रीजन भी पता होगा किस लिए हुआ है। तो शो कैंसिल होने के बाद में जो डिनो जेम्स हैं वो शुभ के सपोर्ट में एक स्टोरी डालते हैं जिसमें डिनो जेम्स बोलते हैं शुभ इज ग्रेट आर्टिस्ट, इट्स अनफॉर्चुनेट दैट हिज कॉन्सर्ट गेट कैंसल्ड, एनीवे नेक्स्ट टाइम जब भी होगा आई विल बी इन द फ्रंट रो ब्रो। तो डिनो जेम्स ने कुछ ऐसी स्टोरी लगाई थी शुभ के लिए, लेकिन इसके बाद में जो फैंस शुभ से गुस्सा थे भाई वो डिनो जेम्स से भी होने लग गए, और डिनो जेम्स की जो पोस्ट के कमेंट्स है वो भर गए भाई गालियों से। इसके बाद में डिनो जेम्स को एक अपोलॉजी वीडियो डालनी पड़ी। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लो क्या बोला है उसमें डिनो जेम्स ने। सुबह जो मैंने पोस्ट डाला वो एक टूर कैंसिल एक आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट तक ही था, उसके अलावा और कुछ नहीं था, और मुझे उसके आगे पीछे ऊपर नीचे क्या है मुझे कुछ नहीं मालूम था। और जैसे ही मुझे पता लगा आई इंस्टेंटली डिलीटेड माई पोस्ट विद इन 7 मिनट्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे भाग रहा हूँ, मैं कोई भी एंटी नेशनल बिहेवियर एक्ट किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ यार, मैं क्यों करूँगा, मैं क्यों सपोर्ट करूँगा किसी को। लेकिन लाइक आई सेड कि मैं उससे नहीं भाग रहा हूँ, आई टेक फुल ओनरशिप फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट आई हैव डन, और जितने लोगों से इसको इससे हर्ट हुआ है आई रियली अपोलोजाइज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई एम सो सॉरी, मुझसे अनजाने में जो हुआ है उसके लिए आई एम सो सो सॉरी। साथ में शुभ ने भी कुछ ऐसी पोस्ट डाली है इंस्टा पे, और साथ में जो एपी डिलो है वो भी शुभ के सपोर्ट में एक स्टोरी डालते हैं, आप देख लो। बाकी तुम क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके बताना। बाकी मेरे को लगता है इनके जो शो कैंसिल हो रहे हैं उसकी वजह से अभी माफी मांग रहे हैं लोगों से, लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, वो आ रही है रफ्तार की तरफ से। तो रफ्तार भाई का आज एक नया गाना है जिसका नाम है लेगेसी। इस गाने को प्रोड्यूस करा है कश्मीर ने। बाकी आपने गाना सुन लिया तो बताना आपको कैसा लगा। तो बस यार इस वीडियो में तो बस इतनी अपडेट थी, बाकी और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।